निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्जा गालिब का यह शेर बीजेपी के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह पर बिल्कुल फिट बैठता है, जो ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महालय बताते हुए ताजमहल के 22 कमरों की जांच करवाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसी फटकार लगाई कि अब शर्म से अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर कर कहा था कि ताजमहल के अंदर 22 बंद कमरों को खुलवाकर उनकी जांच करवाई जाए। बीजेपी नेता के मुताबिक इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, जो दुनिया से छिपाने के लिए इन कमरों को बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता और उनके वकील को जमकर फटकार भी लगाई है। जस्टिस डी के उपाध्याय ने याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप PIL का गलत इस्तेमाल ना करें, ताजमहल किसने बनाया है ये जानने के लिए आप PhD करें तब कोर्ट आए, अगर कोई आपको रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। बेहद तल्ख अंदाज में जज साहब ने कहा कि कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चेंबर में जाना है, तो क्या हम आपको चेंबर दिखाएंगे? इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। अदालत ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं, आप कौन होते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है और ना ही ये RTI अधिनियम के दायरे में है, हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं। अदालत की फटकार लगने के बावजूद बीजेपी इस मुद्दे को खत्म करना नहीं चाहती है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते ताजमहल विवाद को जिंदा रखने के लिए अब बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को सामने लाया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि उनके पुरखों की निशानी है। जिस जगह ताजमहल बना है वो जमीन राजा जय सिंह की थी, मुगल बादशाह शाहजहां ने इस जमीन उनसे ली थी, जिसके बदले में मुआवजा भी दिया गया था। राजकुमारी दिया कुमारी ने दावा किया कि इसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसे कोर्ट में पेश करेंगे। 22 कमरों को खुलवाने के बहाने दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को राजपूत महल साबित करने की जयपुर राजघराने की राजकुमारी और बीजेपी सांसद के दावे के विरोध में अब मुगलों के वारिस भी मैदान में आ गए हैं। मुगल वंशज प्रिंस याकूबुद्दीन हबीब तूसी ने राजकुमारी दिया कुमारी पर पलटवार किया है। प्रिंस याकूबुद्दीन हबीब तूसी ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि राजकुमारी दिया कुमारी का बयान बेबुनियाद है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो उसे दुनिया के सामने पेश करें। प्रिंस याकूबुद्दीन हबीब तूसी ने कहा कि बीजेपी सांसद दिया कुमारी राजपूत घराने और मुगलों को बदनाम करना बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय श्री अकाल। मेरा ये स्टेटमेंट कल जो कॉन्ट्रोवर्सी उठी है ताजमहल को लेकर, बीजेपी की सांसद MP दिया कुमारी जी ने कहा कि ताजमहल से पहले जो है शाहजहां ने वो जमीन को, उन्होंने, आपने सुना होगा कि उन्होंने कब्जा किया और उसका मुआवजा नहीं दिए और उनके पास दस्तावेज है, तो मैं इनसे कहूंगा कि बेवकूफ बने की जो है हवा में तीर मत मारे, आप पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि शाहजहां आपके मौसा है, तो शाहजहां की जो सेकेंड वाइफ है मोमबत्ती बीजी लालबाई के नाम से जाते हैं, 1611 में जो है इनकी शादी हुई थी, तो और शाहजहां की जो वालदा है जोधबाई वो भी आप ही के खानदान के हैं, और जोधा शाहजहां की दादी है अकबर आजम की जो वाइफ है जिससे जहांगीर पैदा हुए, वो भी जो है जोधा अरकाबाई वो भी राजपूत है, तो उस जमाने में जब अकबर आजम दामाद बने तो उस जमाने में राजपूत घराने का असूल था कि वो दामाद को, क्योंकि मुगल बादशाह है तो उनको जो है पैलेसेस गिफ्ट करते थे, तो उसमें हर जाने की बात जरूर, इसकी आपको जो हड़प लिए या कब्जा कर लिए बोले, क्योंकि मुगलों को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा उनका था, जो हिंदुस्तान के हुक्मरान है, आप तो खाली को जयपुर की बात करें वो तो हिंदुस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये पूरा बॉर्डर था, तो आपका तो छोटा सा शहर, क्योंकि आप उस टाइम में एक अलायंसेस कर रहे थे, और मेरा 27 में से 14 दादियां मेरे राजपूत है,
तो इस तरह के आप बयान देके एक हवा में तीर मार रहे हैं कि आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज अगर आपके पास है, आपके जो तहखाने में दस्तावेज है, आप कोर्ट में आपने कहा कि हम जरूरत पड़ देंगे, आपने हवा में तीर मार दिया, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ओपन, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप दिखाइए, वाकई मानूंगा कि आपके पास, आपने आप एक राजपूत या एक भी खतरा आपके पास खून है राजपूत का, तो आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आप।